Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. और आज मैं react करने वाली हूँ अलीजे जब first time नेपाल आ रही थी, क्योंकि अभी वो third time आने वाले हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना वो memories को फिर से जिया जाए कि वो first time आए थे तब कैसा था, second time आए तब वो कैसी थी, उनको क्या feel हो रहा था, कैसा vlog था. और I hope so कि third time जब अभी आ रहे हैं तो वो भी जल्दी ही आए, तो वो भी देखने को मिले. तो मैं वो सारी मेमोरीज रिकॉल करने वाली हूँ. आई होप आपको भी देख के अच्छा लगेगा. मेरे साथ आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये व्लॉग प्रॉपर याद था या नहीं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय एवरीवन, सो आज है 25 और हमें जाने में 3 दिन रह गए. हमारी 27th की फ्लाइट, 27th रात की फ्लाइट है और हम अभी आए हैं बिलाल की शॉपिंग के लिए. सो लेट्स सी वो क्या लेता है, दिखाती हूँ. हम ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है. से हाय. तो फर्स्ट टाइम आप मेरे व्लॉग में आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत लकी लोग हैं आते मेरे व्लॉग में, समझ में आ रही है? सो ये अपने लिए शर्ट्स देख रहा है. शर्ट्स, टी शर्ट्स क्या लोगे? देखते हैं गाइस इसको इसकी पसंद की मिल जाए. बड़ा ही चूजी बंदा है यार, बड़ा ही चूजी बंदा है, फजूल फॉर नो रीजन. कैसे तुम बर्दाश्त करती हो इस मास्क को? नहीं यार, अच्छी चॉइस है, बेसिक लेता है. हां बेसिक. वैसे इसके अंदर रेड चेक करो, रेड है जल्दी से जाकर चेक करो. अगर रेड होगा तो मैं आयुष के लिए ले लूंगी. रेड कच्चा नहीं है. ओहो इसमें आप क्या करेंगे यार. गाइस रेड कच्चा ही नहीं है यार, ये वाला ले लूं. यार रिस्पॉन्ड बॉक्स नहीं का पहन कर. सो भाई बिलाल की शॉपिंग हो गई और कैसा लग रहा है आपको? क्या फायदा इतनी शॉपिंग का, क्या फायदा इतनी शॉपिंग का? लगोगे तो आप वैसी चपरासी. सच्ची? ओ माय गॉड, बेचारी यार. तो फिर ज्यादा कर लेते ना बिलाल, तुमने क्यों इतनी सी ली? 2 bags होने चाहिए थे. अच्छा और भी. ओ माय गॉड, गुड गुड, पुल एंड बेयर. चलो यार, हाँ मैं हूं ना इसका बेयर. Oh my God. दिखा वैसे. ओए ओए शहजादा दिखा दे, इतना प्यारा. गाइस देखो मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है. ओ माय गॉड, हमें रिश्ता चाहिए इसके लिए. तुम क्यों देखो फौरन आती है कैमरे में सामने. तुम क्यों क्यों लेती हो उसकी स्पॉटलाइट? तो आज है 26, कल हमारी फ्लाइट है रात को. हम लोग अभी जा रहे हैं. आई नीड टू गेट माई नील्स डन एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो हम सैलून जा रहे हैं, मी मॉम एंड इज़मा. सो नील्स लगा के अंदर आप लोगों को दिखाती हूँ. सो गाइस ये रहे मेरे नेल्स जो मैंने लगवाए हैं. आई डोंट फील पेन. सो लेट मी नो कैसे लग रहे हैं. मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अभी मेरे फीट्स भी हो रहे हैं. फीट्स भी मैं सेम करवा रही हूँ कलर. आई लव इट. बोलो ना व्हाट्स रॉन्ग. फ्रेंच टाइम विद जनता. तो एटीट्यूड यू दिखा रहे हो पागल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ना अपना यही रखो आयुष, पता है यू विल स्पॉइल एवरीथिंग. तुम यही चीज रखो. लड़ाई कर ली यार जनता के सामने ना, ऐसा ना किया करो यार. अच्छा कि लड़ाई हुई इसलिए. इतना डिफिकल्ट है अपनी हंसी को रोकना जिस तरीके से मैं रोकी हुई थी ना, आई स्वेयर. हम दोनों टॉप के एक्टर्स हैं. अगर कोई डायरेक्टर हमें देख रहे हैं ना, आप हमें अपनी फिल्म में ले सकते हो.
तो ये प्रैंक था जो मैंने सोचा था, मेरे खुराफाती दिमाग ने सोचा, बल्कि हम दोनों ने सोचा लड़कियां ही था सोच कि सकती हैं आप ऐसी लोग भी चीजें। करेंगे एंड देन जब मैं नेपाल पे होंगी आप लोगों को सरप्राइज देंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से क्या रीजन नहीं आएगी, धोखा दे रही है, ऑल दैट स्टफ, सो यू नो एक क्रिएट हो जाएगा कि हाँ वलीज़ और आयु साथ में, और फिर जब एक साथ देखेंगे तो यू विल फील गुड। सो यप, इंशाल्लाह इतना अटैक अभी ना हमें किया पास करो सिर्फ एक यार। दिन रह गया है, कल इस टाइम पे हम लोग जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो आई विल कंटिन्यू माई व्लॉग टुमारो इंशाल्लाह। आई विल लेट यू नो गाइस व्हाट आई एम वेयरिंग एंड पैकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुकी है, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अभी है 27 एंड ओ माय गॉड, अभी कुछ घंटे बाद मैं नेपाल होंगी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। या तो हम डॉलर से पैसे निकालेंगे या फिर हम लोग नेपाली रुपीज से पैसे निकालेंगे। सो लेट्स सी एंड देन बिकॉज ऑफ दिस प्रैंक एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रैंक आयुष इज गेटिंग इतना ज्यादा हेट, उसका कॉमेंट सेक्शन इज फिल्ड विद नेगेटिव कॉमेंट्स एंड आई डोंट सपोर्ट दिस। हम लड़े नहीं लड़े, यू गाइज आर यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज एनी वन, यू आर नॉट सपोज टू यू नो इतना ज्यादा गुस्सा फजूल मैन फॉर नो रीजन, वैन यू नो कि हम लोग लड़ते रहते हैं देन फिर ठीक हो जाते हैं। सो एनी वेज जब हम साथ होंगे तो आई होप आप सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और उन सब के भी मुंह बंद हो जाएंगे जो बोल रहे थे कि हाँ यूज कर चो बहुत मजा आने वाला है। हमने डॉलर जो निकाले ब्लैक, ओए होए होए शक्ल देखो इसकी, अभी बोल रहा था पैसे उड़ाता हूँ पागल, पैसे उड़ाता ना अरे यार डॉलर्स उड़ा रहे हो वो भी डॉलर्स। 1:30 पर है लेकिन हमारा डिपार्चर 10 बजे आज रात को, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे लाइक मगरिब के बाद, और अभी शाम हो रही है लाइक असर हो चुकी है, तो अभी मैं मनी एक्सचेंज करवा कर आई हूँ और अभी मैं जाऊँगी, आई गो गेट रेडी, अभी नहीं लाइक नहाऊँगी मैं, देन मास्क वगैरह लगाऊंगी अच्छी अच्छी से एंड देन तैयार के एंड देन आई बी बैक। सो गाइस हम आ चुके हैं और इस्मा ने अपना सेल्फी स्टैंड खो दिया है, बहुत प्यारी लग रही है यार और बिलाल लगेज कर रहा है, सेल्फ लगेज करवा रहे हैं हम लोग एंड देन फिर हमारी बोर्डिंग होती है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ इसकी स्टिक घूंगे जिससे से व्लॉग बनाना था, मतलब बताओ। मैं अपने हाथ से बना लूंगी, बनाऊंगी जरूर। तो बना लेना यार, बना लेना, हमने तुम्हें मना किया है। अब ऐसे रेडी नहीं होते ना, स्टाइल चेंज कर दिया ना। ये वाला टर्मिनल 3 मुझे इसलिए नहीं पसंद है, इस पर इतना चलाते हैं, इतना चलवाते हैं और टीसी को गाइड ही नहीं करता, मतलब हम थक गए, बस इसको सेल्फ सर्विस करनी है और इसी में हम थक गए। देखो इसमें की ट्रॉली खराब हो चुकी है, अजीब अजीब तरीके से गिर रही है, पागल नहीं की तुम इतना इंटेंस हो के क्या सुन रही हो? ओह माय गॉड, नखरे देखो तुम्हारे। तो अभी हम नेपाली रुपीज़ एक्सचेंज करवा रहे हैं फॉर नो रीज़न, हमने ऑलरेडी डॉलर्स निकाली लेकिन हम सिर्फ निकाल रहे हैं इसलिए ताकि यू नो हम पिक्चर्स वगैरह ले सके, तो ये लोग करवा रहे हैं, मैं नीस में पिक्चर्स लूँगी ऐसे करके दिखाऊंगी। ब्लंडर हुआ है लाइक वी वांटेड एमिरेट्स एंड हमें फ्लाई दुबई का जहाज दिया फॉर नो रीजन, वी थॉट इट्स एमिरेट्स, क्लियरली लिखा है एमिरेट्स, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। कैसा लग रहा है आपको डिचो पे बेचारा, आज आज ये है, आज मैं बीच पे बैठी हूँ, मतलब ये लोग क्या समझते हैं पानी, तो एम मैं क्या तुम भी चलो नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी डराऊंगी अभी, मुझे मम्मी से बक बक करनी है। अच्छा हाँ है। सो गाइस अभी 1 घंटा 20 मिनट रहता है लैंडिंग होने में और मुझे नहीं पता बाहर का कैसा दिख रहा है बिकॉज मैं आज इस्मा उस तरफ बैठी है और मैं इस तरफ बैठी हूँ, तो आई हैव नो आइडिया, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो नर्वस, इट्स जस्ट वेरी मिक्सड फीलिंग्स। और इधर एरोप्लेन में भी आई गॉट लाइक 3-4 लोग एंड दे बी लाइक अलीज़े आप भी अलीज़े अलीज़े अलीज़े, मतलब पहली बार से भी पहचान लिया। आयुष को तो फिर बहुत आदत है कि मुझे कहाँ भी जाते हैं उसको लोग मिल जाते हैं, तो भाई मुझे मिलते थे बट लाइक दे कैन नॉट अप्रोच यू बिकॉज हम सब हेजिटेट करते हैं, लेकिन लाइक इन एरोप्लेन तो सब बैठे हुए ना, सो एक्साइटेड। सो गाइस मैंने फटाफट अपने आप को जो है ना रेडी कर लिया बिकॉज मैं बहुत बुरी लग रही थी, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया, फ्लाइट में ठीक किया है, उतर के ठीक किया है। ओह माय गॉड, आई एम सो नर्वस, ओह माय गॉड, द ऑनलाइन इमिग्रेशन, इट्स व्हाट इज इट, लाइक इट्स फ्री, या 30 डेज फॉर फ्री, फर्स्ट फर्स्ट फ्री एंड आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड विद योर एयरपोर्ट, इट्स प्रीटी क्लीन, माशा अल्लाह,
नाइस राइट ओहो ये थी फर्स्ट मीटिंग है ना यार अब ये फील हो रहा है कि क्या फील कर रहे होंगे क्या करें हैंडशेक करें नहीं करें क्या करें कितने सिंपल तरीके से देखा भी नहीं आयुष ने देखा भी नहीं देख रहे हो कितनी शर्म आ रही थी इन दोनों को आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करा थैंक यू अब आयुष सोच रहा है क्या करें I cannot even describe. मुझे मामा से और इज़मा से वो वीडियोस लेके इधर रखनी पड़ेंगी कि my first meetup के लिए. हाँ. हम लोग बैठे हैं अभी कार में and then ये आयुष लेकर आ रहा था. Ah, Nepal is beautiful, mashallah. I just can't take my eyes off. बहुत खूबसूरत है. Seems like I will cry, but I will not cry. My makeup will. But it's an overwhelming moment. उनके अम्मी को एक बार भी नहीं दिखाया है ना अब हालांकि वो दिखाते हैं प्रॉपर ना फर्स्ट टाइम आई तब नहीं दिखा रहे हाय मामा देखो मामा कितने हैंडसम है ये देखो ओहो कोई तो देख लो कोई क्या आप देख लो अब तो माऊजी ने देख लिया अभी भी कोई तो देख लो हाँ ये हमारा रूम है सो गाइस ये हमारी फर्स्ट मील है मेरे मोमोज देखिए मोमो खाए हैं जब नेपाल आए और मोमोज ना खाए ओए होए इस बार देखो अलग से बैठ के कि खाने दो पहले एंड देन थोड़ा रेस्ट करूंगी एंड देन फिर हम आयुष घर के लिए रेडी होंगे आई एम सो एक्साइटेड आर यू गाइस एक्साइटेड या या इस बार तुम मॉम तो है ही सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं आयुषी घर पे दावत के लिए एंड मैं जाऊँ पे वहाँ पे जब जाऊँगी तो आई अपडेट यू गाइस लेट्स सी कैसा रहेगा सब आई एम गोना मीट हिज फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम सो लेट्स सी आयुष का मैंने पकड़ा हुआ है घर जाके देखूंगी कैसे करते हो क्यों ऐसे ब्लॉग नहीं कर सकते आयुष बेचारा शर्मा रहा है यार ना करो घर आ गई वो देखो अजू रामा कितनी क्यूट है माशाल्लाह और ये हमारे लिए केक है वो देखो टोंचू मुझे देख के तो लगे इसमें लिखा है वेलकम होम देखो कुसो मम्मी जैक्सन थैंक यू मम्मा कितना क्यूट है जैक्सन ये आयुष की मम्मी है आयुष इस तरीके से हाँ हाँ टन टन पेरा ये तुम तो बिल्कुल अरे तो इलेक्शन में नहीं जा रहे तो लग रहा है मंत्री 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 अच्छी अच्छी रहे पहुंच रहे लुक्स वेलकम टू नेपाल बाय बाय बेटे जा जाके कट करो ले जा जाके करो शाबाश इस माँ से कट मारे प्यार बेचारी से ये देखो ऐसे नहीं करो मेरी आंखों में आ जाएगी कुसुम ही गलत काट रहे ये कुसुम ने काटी नहीं ये कुसुम ने कट किया है ऐसे काट नहीं तुम्हें कैसे कर रहे हो कुसुम नहीं आती यार अरे मैं कह रहा हूँ ऐसे काट रहे से होने लगा है हम सारी फैमिली इधर आ गई है बिकॉज रामा मामा अनिल मामा वो उनके हस्बैंड है ऐसे लग रहा है कि हमारे ही घर है और हमें हम घूम गए थे और आए दोबारा गाइस हमने इनके घर में कब्जा कर लिया है मामा आपको कैसा लग रहा है घर में कब्जा कर लिया
अभी हम लाइट का बंदोबस्त करें ताकि हम अच्छे से जो है बारबेक्यू कर सकें. पुलाव हमारा रेडी हो गया है. मामा की फ्रेंड्स तो ये हमारे बिलाल भाई बना रहे भी बारबेक्यू. ओए होए मामा भी है. आयुष लेने क्या है कुछ गाइस. यहाँ से व्यू इतना अच्छा लगता है और जब सुबह होती होगी तो कितना प्यारा लगता होगा. ठंड है यार. मैंने मुझे आयुष के मामा ने अपना दुपट्टा दिया. मैंने ऐसा शॉल पहना है. बताओ कैसा है. अच्छा वाह वाह वाह. जब घर से खाना बनाता है ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए. समझ आ रही है. और जब कोई बुरा बनाए ना तो मुंह पे बोलना चाहिए. तुम चुप करो बदतमीज. सच में अच्छा है आयुष. पहले आयुष इतना ज्यादा नहीं बोलता था. अब तो बिल्कुल की तारीफ कर देता है. वो सारी चीज है ना. इतनी रात हुई और अभी हम निकल रहे. मन तो नहीं कर रहा होगा. ये था आज का व्लॉग और आई होप आपको अच्छा लगा होगा. रात के सुबह के सारी 6 बज रहे और ये व्लॉग मैंने अभी एडिट किया है. आई होप आपको पसंद आया होगा. मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. मेक श्योर टू वॉच आयुष का भी व्लॉग एंड मेक श्योर टू वॉच उस्मा का भी व्लॉग. We will be trying to be more active on YouTube. We will be making daily vlogs, me and Ayush. So keep supporting, keep loving. Love you all. Good night. Bye. पहले good night bye बोलते थे ना. ये वाली चीज नहीं होती थी. अब ये चीज होती है. मतलब एक साल पहले जब first time नेपाल आए थे तब भी ये चीज नहीं थी लेकिन अब ये चीज है. एक तो ये difference मैंने notice किया है और बड़ा अच्छा लग रहा था यार. मैं तो देखे जा रही थी. मेरे को पता नहीं कुछ कुछ मोमेंट्स पे लग रहा था. मैंने वो लोग पहले देखा है लेकिन देखा भी होगा तो एक साल पहले देखा होगा ना तो वो यादें धुंधली हो गई. तो मेरे को लगा मैं पहली बार ही देख रही हूँ कि अच्छा पहली बार आके मोमोज खाए थे. ये तो मेरे को याद ही नहीं है. बट शायद मैंने ये व्लॉग पे रिएक्ट किया है पहले भी देखा है. बट आई डोंट नो मुझे इतना प्रॉपरली याद नहीं है. बट अब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि अभी फिर से आएंगे तो कितना डिफरेंस होगा ना. जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं वो भी देखना चाहती हूँ जब सेकंड टाइम आए थे. ठीक है. और अब थर्ड टाइम आएंगे है ना. यही है ना. तो फर्स्ट टाइम वाला देख लिया सेकंड टाइम वाला और आई होप थर्ड टाइम वाला भी हमें जल्दी देखने को मिले. और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.